हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो लास्ट टाइम हमने आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देन वी डिस्कस्ड अबाउट योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, एंड एट लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट योर हाउ टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बाई यूजिंग कॉर्लेश लॉ। सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है सेल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स क्या है, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, सेल कितने टाइप के हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और देन वी डिस्कस अबाउट योर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ने से पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। तो बेटा जी, सेल्स क्या है? सेल एक ऐसा डिवाइस है जो जिससे क्या क्या करते हैं, हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है गाइस, पता लग गया सेल क्या है, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दीज आर द डिवाइसेस इन विच इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। तो सेल में क्या होते, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। सेल में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, मीन हम इलेक्ट्रोलाइट का कोई सोल्यूशन लेंगे। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होंगे। और देखो, जो सॉल्ट ब्रिज होगा वो प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके गाइस, इन द केस ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सॉल्ट ब्रिज इज प्रेजेंट, बट नॉट इन केस ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब देखो, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें क्या क्या होता है, अगर अगर पेस्ट विद अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और KCl एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो, अगर अगर क्या है, ये हमारे पास एक हमारे पास ये जेली लाइक सबस्टांस होता है जो ऑब्टेंड होता है पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स जिसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स या पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सेल वॉल ऑफ योर रेड एल्गे। ठीक है, रेड एल्गे एक स्पीसीज होता है जिसके सेल वॉल से ये हमें ये जो हमें अगर अगर पेस्ट जो जेली लाइक सबस्टांस है वो मिलता है। ठीक है, तो ये यू शेप आपका ग्लास ट्यूब होगा, उसमें क्या होगा, इस पेस्ट के साथ अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और KCl हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब KCl इज़ नॉट यूज व्हेन इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ योर सिल्वर। अब KCl, हम जब सिल्वर का इलेक्ट्रोड है हमारे पास, तो सिल्वर KCl यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो Ag होगा वो क्या करेगा, Cl के साथ कंबाइन करके अपने PPDs बना लेता है, प्रेसिपिटेट्स बना लेता है, इसलिए हम उस केस में KCl यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया कि सॉल्ट ब्रिज यूज ओनली इन केस ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? देखो, इलेक्ट्रोड्स वो वाले मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेंगे। ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, हम वायर के ले सकते हैं, रॉड का ले सकते हैं, और शीट का भी इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स था जो हम सेल इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने से पहले डिस्कस कर लिए। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो वाले सेल्स होंगे जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है गाइस, याद रखना, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। एग्जाम्पल है हमारे पास डैनियल सेल। ओके, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, वो डिवाइस को वो क्या क्या कहे जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे जो केमिकल प्रोसेस होती है वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस आपको पता था क्या होता है, एक तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। अब जो स्पॉन्टेनियस होती थी वो क्या हो, अपने आप होती हैं, वो प्रोसेस आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा। इसी तरह जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, वहाँ पे हमें कुछ एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा। जब तक हम कुछ एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होता। इसलिए जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो रिएक्शंस होगा वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आपको पता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में जो डेल्टा जी होता है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या होगा इस केस में, आपका पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केसेस में। डेल्टा जी क्या होगा आपका, पॉजिटिव
पॉजिटिव। ठीक है, तो गाइज ये था हमारे पास, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे थ्रू डायग्राम। बट आज जो फर्स्ट डिस्कस करते हैं वो करते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में को डिस्कस करने से पहले हमें एक प्रोसेस पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन। ओके, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होता है, जब हम उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो वो प्रोसेस क्या क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने बताया कि देखो इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, ये कोई बीकर है, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर देते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, उसका सोल्यूशन ले लेंगे हम। ठीक है, तो सपोज करो इसमें हम फिल कर देते हैं NaCl, इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस डायग्राम को थोड़ा नीचे बना लें, इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये देखो ये इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका कोई बीकर है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या कर लिया, कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, ये किसका हो गया, NaCl का हो गया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए। दो इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करेंगे थ्रू बैटरी। ठीक है, तो ये हमारे पास बैटरी हो गया, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जो बड़ा वाला टर्मिनल, जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव, वो छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। अब यहाँ पे जो एनोड होता है, ठीक है, एंड ये क्या, ये कौन सा है, एनोड। एनोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, याद रखना एनोड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। उसके बाद जो कैथोड होगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। अब देखो एनोड पे, कैथोड पे क्या होगा आपका, हमेशा एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा जी रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे, अब ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा रॉड क्या है, ये पूरा वाला रॉड क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है जब आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा लिया, NaCl। अब जब करंट पास करोगे, तो करंट पास करोगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये सारा पॉजिटिव और ये सारा नेगेटिव। अब जब करंट पास करोगे तो NaCl किस में डिसोशिएट होता है, Na पॉजिटिव प्लस NaCl, ये किस में डिसोशिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ क्या है इसमें, अब आपको पता था कि, अब देखते हैं कि वन बाय वन कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। पहले हम ले लेते हैं एट एनोड, एट एनोड। तो एनोड पे क्या होगा बेटा जी, देखो एनोड क्या था आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव के पास कौन सा जाएगा, सपोज करो यहाँ पे Na पॉजिटिव भी होंगे और Cl नेगेटिव भी होंगे, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, पॉजिटिव वाली साइड जाएगा। तो यहाँ पे हम ये पॉजिटिव वाली, जो पॉजिटिव वाली साइड है वो क्या चलेगा, क्लोरीन चलेगा, क्लोराइड के जो आयन थे। अब देखो यहाँ पे एनोड पे क्या था, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब ये आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये कन्वर्ट होता है Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा,
एक और क्लोरीन के साथ क्लोरीन कंबाइन करके क्या बना लेगा, Cl2 गैस। ठीक है, ये हो गया आपका एनोड वाला रिएक्शन। अब देखो कैथोड पे क्या हो जाएगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या आपका, अभी आपने देखा कैथोड क्या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के पास कौन सा जाएगा, पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव जाएंगे इस साइड, तो Na पॉजिटिव, तो इस साइड क्या होता था, रिडक्शन। ठीक है बेटा जी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ये क्या करेगा, इस साइड गेन करके क्या बना लेगा, सोडियम। ठीक है गाइस, तो ये हमें मिल जाएगा सोडियम। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है ये यूज़ करते हैं हम, यूज़ फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ, कहाँ पे आपने 10th में पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और कौन सी मेटल्स एक्सट्रैक्ट की जाती थी इस मेथड से, जो हाई रिएक्टिव होंगी, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगी उन्हीं को इस मेथड से हम एक्सट्रैक्ट करते थे। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। देख लो फिर से आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने सेल डिस्कस किया। सेल क्या होता है, जो ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यू शेप ग्लास ट्यूब रहता है जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और KCl होता है। फिर इलेक्ट्रोड्स क्या थे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये किस फॉर्म में हो सकते हैं, वायर, रॉड और शीट की फॉर्म में हो सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएंगे। हमारे पास एग्जाम्पल था डैनियल सेल का। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होंगे, जो वो वाले सेल जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो इसमें जो रिएक्शंस होंगी वो सारी कौन सी होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस तरह का होता है। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए, एक क्या था उसमें NaCl, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाया NaCl का। और उसके बाद एनोड, एक एनोड जो इसका जिस वो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। और जो हमने करंट पास किया तो NaCl किस में डिसोशिएट हो गया, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। एनोड पे कौन से जाएंगे, जो नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज आके इन्होंने क्या बना लिया, Cl2 गैस, और इस पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, सोडियम जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता है, सोडियम, जो हम प्योर स्टेट में हमें मिल जाते हैं। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हम डिस्कस करेंगे आपका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।